आज के इस वीडियो में हम ऐसे सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका लुक के साथ साथ प्रोसेसर काफी अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस मॉडल के बारे में जिसमें आपको बहुत ही यूनिक फीचर्स के साथ साथ काफी लुक बेहतर देखने को मिल जाएगा। तो चाहिए पूरी डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर को लेकर के, तो इसमें आपको मीडियाटेक 8010 देखने को मिल जाएगा जो कि 6 nm का प्रोसेसर होगा यहाँ पर। और सबसे खास बता दूं इसका स्क्रीन साइज को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पर 6.5 इंच का POLED स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कमाल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा, 4K रिकॉर्डिंग हो जाएगा इस वाले कैमरे से। आपको बैक साइड डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा, 50+13 megapixel का 4K रिकॉर्डिंग होगा। साथ ही बता दूँ फ्रंट में आपको 32 megapixel का, इसमें भी आपको 4K रिकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी को लेकर के, 4400 mAh का बैटरी होगा। साथ ही बता दूँ चार्जिंग स्पीड को लेकर के, यहाँ पर 68 watt का चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और इस वाले स्मार्टफोन से आप रिवर्स चार्ज भी कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इस फोन का। और बाकी देखें इसका लुक के बारे में, बैक साइड अगर देखेंगे यहां पर तो आपको इको लेदर फिनिश आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण फोन बहुत ही शानदार लुक हो जाएगा। फ्रंट आपको ग्लास मिल जाएगा और साइड फ्रेम की बात करें तो अल्मीनियम फ्रेम के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये कौन सा मॉडल है, ये आपको मोटो एज 40 है। अब बात करते हैं एज 40 प्लस का, इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सबसे पहले बता दूं इसका स्क्रीन साइज आपको बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपको 6.7 इंच का स्क्रीन आपको देखने मिलेगा। साथ ही बता दूं बैटरी का एमएच आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 4600 mAh का बैटरी और चार्जिंग स्पीड 125 स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दो इसमें भी आपको रिवर्स चार्जिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और सिमिलरिटी इसमें आपको देखने को वाला स्क्रीन आपको सेम, आपको POLED स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। कैम क्वालिटी का जो सेटअप होगा बैक साइड में, प्रो में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा, यहाँ भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही बता दूँ फ्रंट का जो कैमरा होगा इससे भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें दोनों में सिमिलरिटी के साथ साथ क्या अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो प्रोसेसर होगा इसमें 8th generation 2 4 nm का चिपसेट होगा जिससे आप कह सकते हैं एज और एज प्रो में स्पीड साथ ही कैमरा क्वालिटी का अंतर हो जाएगा। और साथ ही बता दूं स्क्रीन का साइज आपको यहां पर बड़ा दिखने को मिल जाएगा। साथ ही बता दूं लुक और डिजाइन लगभग सेम आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं साइड में एल्युमिनियम फ्रेम दोनों में देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन आपको POLED देखने को मिल जाएगा, साथ ही बैक साइड इको लेदर फिनिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको मेरे तरफ से ओवरऑल देखा जाए, अगर जिसको छोटे स्क्रीन यूज करना है वो आपको मोटो एज 40 ले सकते हैं, अगर जिसको बड़ा स्क्रीन चाहिए और थोड़ा स्पीड चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं मोटो एज 40 प्रो। तो ये मोटो 40 सीरीज थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।